व्हाट्सअप गाइस, सबसे पहले डेमो दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि ये जो शूट होता है रेडमी नोट 4 से शूट हो रहा है। रेडमी नोट 10 प्रो यहाँ है, जो आज दोस्तों इसमें एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसके वजह से दोस्तों आज ये यहाँ पड़ा। दूसरी चीज, मेरा माइक पता नहीं दोस्तों रेडमी नोट 4 में सपोर्ट नहीं कर रहा और पीसी में हम लगा नहीं सकते, क्योंकि कुछ अलग टाइप का आवाज आता है, तो थोड़ा वॉइस को एडजस्ट कर लीजिएगा, इसके बाद जो वॉइस मिलेगा आपको सही मिलेगा दोस्तों। लेकिन एक चीज आपको दिखा देता हूँ, मान लीजिए आपका फ्रेंड वगैरह आपके इस फोन में रेडमी नोट 10 जैसे मेरा प्राइमरी डिवाइस है, आपके प्राइमरी डिवाइस दोस्तों इस तरह से कहीं पर भी मान लीजिए इस तरह से फेंका हुआ है और आप अपना लैपटॉप में काम कर रहे हैं, और उसी वक्त क्या होता है दोस्तों कि आपके फोन में दोस्तों एक फोन आता है, जैसे अभी आ रहा है जो आपको स्क्रीन में दिखता होगा, तो यहाँ लैपटॉप में दोस्तों फोन आ रहा है, हम चाहेंगे इसको क्लिक करने के लिए, तो दोस्तों जैसे उठा लिए यहाँ पर और हम बात भी कर रहे हैं। हेलो 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 हेलो, तो आप समझ गए होंगे हमने आपको क्या दिखाया कि आपका फोन कहीं भी पड़ा है घर में और आप अपने पीसी से उसको हैंडल करना चाह रहे हैं, मतलब आपका फोन पे कोई भी कॉल आए तो आपको फोन पास जाना नहीं पड़े, या फोन आप चार्ज में लगाए हैं और आपके पास फोन आया है और आपको उठने में दिक्कत हो रहा है तो आप अपने पीसी से ही बात कर सकते हैं। तो इस तरह का दोस्तों अमेजिंग काम आप कैसे करेंगे, तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं वही बताऊंगा कि आप अपने पीसी को कैसे फोन से कनेक्ट कर सकते हैं एकदम दोस्तों जबरदस्त तरीके से, मतलब विंडोज 10 या विंडोज 7 या विंडोज 8 जो भी आप चला रहे हैं, जो भी यूज कर रहे हैं उसमें दोस्तों बाय डिफॉल्ट ये चीज दिया हुआ है, आपको किसी भी तरह का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कहां से करेंगे, सब कुछ बताएंगे दोस्तों और फाइल ट्रांसफर भी करके दिखाएंगे अपने मोबाइल से पीसी में और पीसी से मोबाइल में सिर्फ एक क्लिक से दोस्तों, तो किस तरह से करना है सब कुछ बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिए और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे देखिए आप कॉल के अलावा क्या क्या चीज आप इसे यूज कर सकते हैं, जैसे अपना फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, मोबाइल का कोई भी चीज क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते सब कुछ बताएंगे, तो वीडियो में बने रहे और नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, वैसे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अपने मोबाइल को कैसे कनेक्ट करना है, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, मोबाइल में इस तरह से दोस्तों ओपन हो जाना और मोबाइल में ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले आपको लिखना है ऊपर में दोस्तों लैपटॉप कनेक्ट मोबाइल, इस तरह से लिखना, उसके बाद दोस्तों सबसे पहला जो ऐप आएगा ये वाला, ये जो है दोस्तों यो फोर कंपेनियंस, ये जो ऐप है दोस्तों ये विंडोज़ का है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का ऐप है दोस्तों, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का, इसे दोस्तों आपको इंस्टॉल करना होगा। और एक दूसरा ऐप जो है दोस्तों मैं अभी ये बता देता हूँ, ये वाला है पीसी टू मोबाइल ट्रांसफर, ये वाला ऐप आपको, ये दोनों ऐप को दोस्तों इंस्टॉल करना होगा। वैसे आपको लिंक वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ आइए आपको दोस्तों सेटअप देते हैं। तो ये दोनों ऐप को इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, ऐप को दोस्तों इस तरह से आपको ओपन कर लेना है, देख लीजिए ये वाला दोस्तों ऐप आ जाएगा, इसको बस ओपन करना है और दोस्तों ये कनेक्ट हो जाएगा। तो कनेक्ट करने का दोस्तों हम पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, बहुत ईजी है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, आपको पीसी में भी इंस्टॉल करना है, पीसी में कैसे करेंगे फिर कनेक्ट हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपने माइक्रोसॉफ्ट का जो भी है आपका स्टोर वगैरह देख लीजिए, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर है, देख लीजिए यहाँ पर आपको दिखता होगा ये माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर है दोस्तों, तो इसमें क्या करना है डबल क्लिक करना और इस तरह से ओपन हो जाएगा। ओपन जब हो जाएगा दोस्तों तो ये वाला ऐप जो है देख लीजिए यहाँ पर, जो फोन वाला यहाँ पर आपको ढूंढना होगा कि वो फोन वो ऐप कहाँ है, वैसे आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको लिखने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर आप लिखिए ये वाला योर फोन, योर फोन सिर्फ लिखेंगे तो सबसे पहला ऐप जो है वो आ जाएगा, यहाँ पर ये वाला आ गया दोस्तों। अब इसको क्या करना है आपको इंस्टॉल कर लेना है, बहुत इजी और फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, देख लीजिए मैंने इंस्टॉल कर लिया है, यहाँ पर शायद कुछ अपडेट वगैरह आया है उसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर इंस्टॉल करना है तो इस तरह से दोस्तों खुल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरा ये जो है खुल गया, यहाँ पर देखिए Redmi Note 10 Pro लिखा हुआ है और उसका सारा कुछ यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, जैसे उसका दोस्तों म्यूजिक वगैरह ऑडियो को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके दोस्तों म्यूट भी कर सकते हैं, उसको साउंड भी देख सकते हैं और यहीं से ब्लूटूथ वगैरह भी ऑन कर सकते हैं अपने मोबाइल से, वो चीज़ हम आगे आपको दिखाएंगे। बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन का ऐसा है दोस्तों यहाँ पर परमिशन वगैरह एक्सेस कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए जैसे हम क्लिक किए तो यहाँ पर दोस्तों परमिशन मांग रहा है, इसको हम ओके करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों ये मांग रहा है परमिशन, तो इसको हम परमिशन दे देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिखेगा आपका, बताएगा कि भैया थोड़ा सिक्योर भी रहिए, ऐसे अंधा का जैसा मत दे दीजिए, तो वो चीज़ यहाँ पर देगा, तो इसको दोस्तों हम ग्रांट कर देते हैं, देख लीजिए यहाँ पर हम ग्रांट कर दिए, इस तरह से हम ग्रांट कर दिए और ग्रांट करते ही देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं
मेरा सारा जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर ब्राइटनेस को कम कर देते हैं, तो अब देखिए मेरा सारा जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर आपको शो करता होगा। तो यहाँ से दोस्तों देखिए हम ट्विटर में अगर चाहेंगे तो यहाँ से हम रिप्लाई भी कर सकते हैं ट्विटर का। यहाँ पर दोस्तों न्यूज़ वगैरह, यहाँ पर कौन फ़ोन किया है वो चीज़ है। और यहाँ पर अगर हम चाहेंगे तो यहाँ से दोस्तों देखिए नोटिफिकेशन में आया, कॉल बैक भी कर सकते हैं। तो कॉल बैक में जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरा फ़ोन चल जाएगा दोस्तों। तो देखिए फ़ोन वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है, ट्विटर में कर सकते हैं सब कुछ। मतलब दोस्तों आपको यहाँ पर आप सारी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। अब आप चाहेंगे कि अपने फ़ोन से कॉल भी करना आपको, ठीक है, तो यहाँ से आप कॉल भी कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी मदर को कॉल करता हूँ तो यहाँ पर कॉल करता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने कॉल किया, अब देखेंगे कि यहाँ पर कॉल आता है कि नहीं। तो देख लीजिए कॉपीराइट पड़ जाएगा फालतू में। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो देख लीजिए इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हम कॉल भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों कुछ आपका यहाँ पर सब कुछ दिखाएगा। तो यही चीज़ है, कॉन्टैक्ट वगैरह हम यहाँ पर से देख सकते हैं। कोई भी कॉन्टैक्ट को अगर हमको कॉल करना है तो वो भी हम कर सकते हैं किसी भी तरीके से। दोस्तों यहाँ पर आ गया, देख लीजिए यहाँ से हम मैसेज भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं आपको जो दिख रहा है यहाँ पर बहुत ईजिली तरीके से। तो आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे करना है दोस्तों। अब आपको इसको कनेक्ट करके दिखाते हैं। तो कनेक्ट कैसे करना है, तो इसको हम सबसे पहले डिसकनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों कनेक्ट के लिए सबसे पहले आप इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आप जो वो ऐप आप कहाँ रखे हैं वो तो आप देख लीजिएगा, लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर रखे हैं एकदम यहाँ पर दोस्तों टास्क मैनेजर में। तो इस तरह से बस एक क्लिक पे इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों इस तरह से आपका मोबाइल में भी ओपन हो जाएगा वो वाला सॉफ्टवेयर। दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे सॉफ्टवेयर में, देख लीजिए तो इस तरह से ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिख रहा है, देख लीजिए, लिंक योर फोन एंड पीसी, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मोबाइल में लिख रहा है लिंक योर फोन एंड पीसी। इस पर दोस्तों क्लिक करना है और इस तरह से क्लिक करना है और यहाँ पर भी दोस्तों क्लिक करना है। अब ये दोस्तों बार कोड स्कैन करने के लिए मांग रहा है फोन, तो दोस्तों हमें करना है यहाँ पर क्लिक और यहाँ पर दोस्तों आई हैव पे करना है, पेयर कोड पे करना है और इस तरह से दोस्तों ये लेगा। आपका जो भी ईमेल आईडी है वो दोस्तों यहाँ पर शो हो जाएगा। तो QR कोड आ गया, अब QR कोड को दोस्तों हम स्कैन करेंगे यहाँ पर। तो देखिए स्कैन हो गया। अब स्कैन होने के बाद दोस्तों ये चीज़ यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर डन हो गया, ठीक है, डन हो गया। यहाँ पर दोस्तों कॉन्टैक्ट भी डन हो गया यहाँ पर। बस आपको बताया ना, बहुत इजी प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है यहाँ पर। देख लीजिए अलाउ अलाउ करते चला जाना है और डन मार देना है, बस अलाउ कर देना है, हो गया यहाँ पर दोस्तों कनेक्ट। मोबाइल का काम ख़त्म, मोबाइल को साइड में रख दीजिए और यहाँ पर दोस्तों कंटिन्यू कर दीजिए। बस कंटिन्यू करेंगे, देखिए गेट स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर मेक ए कॉल करना है आपको, तो ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा दोस्तों ऑटोमेटिक। आपको कुछ नहीं करना, बस इस तरह से करना है और ये कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पेयर वगैरह कुछ आएगा दोस्तों, तो आपको उसके लिए अलाउ कर देना है। तो देखिए इस तरह से आना शुरू हो गया। तो यही है दोस्तों, इसको ट्राई अभी पेयर वगैरह हमने किए, तो इस तरह से करना है दोस्तों। और उसके बाद आप सारा कुछ यहाँ से ओपन कर पाएंगे। देख लीजिए मैसेज वगैरह आएगा तो आपको दिखेगा यहाँ पर, फोटोज़ वगैरह भी आप देख सकते हैं, कॉल वगैरह भी कर सकते हैं, मतलब कॉल का भी दिखाएगा दोस्तों और कॉन्टैक्ट वगैरह भी आपका यहाँ पर दिखा रहा है, जिसको कॉल करना है करिए, जो करना है करिए। तो इसी तरह का है दोस्तों। तो दोस्तों समझ गए होंगे कि इस ऐप से आप क्या क्या कर सकते हैं, मतलब सब कुछ दोस्तों। और यहाँ पर फोटो वगैरह भी देख सकते हैं, आपके मोबाइल का गैलरी वगैरह भी देख सकते हैं, सब कुछ दोस्तों आपको यहाँ पर दिखेगा। जिस तरह से आप देखना चाहे उस तरह से देख सकते हैं। और इसको चाहेंगे तो यहाँ से दोस्तों कॉपी पेस्ट भी हो सकता है, देख लीजिए यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह का दोस्तों, तो यहाँ पर जो जो चीज़ आपको दिख रहा है वो सारा एक्सेस दोस्तों आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया, आपको फ़ोन में कॉल आएगा, कॉल जाएगा, कॉल कंट्रोल होगा, इस तरह का दोस्तों आप यहाँ पर मामला बनता है। लेकिन अब चाह रहे हैं कि फाइल ट्रांसफ़र करने का, तो दोस्तों फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए आपको ये वाला जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों आपको दिखा देते हैं। देखिए ये वाला जो है सॉफ्टवेयर FTP मैनेजर प्रो, ठीक है, ये वाला आपको डाउनलोड करना होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम मोबाइल में डाउनलोड कर चुके हैं, तो देखिए FTP मोबाइल प्रो जो दूसरा ऐप था उसको दोस्तों इस तरह से इंस्टॉल करना है, देख लीजिए यही वाला है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको तीन ऑप्शन मिलेगा, आपको अपने वाईफाई से यहाँ पर डेटा को ट्रांसफ़र करना है, आपको हॉटस्पॉट से ट्रांसफ़र करना है, या मोबाइल डेटा से। मोबाइल डेटा जो है दोस्तों, मोबाइल डाटा जो है, तो यहाँ पर क्या है, ये प्रीमियम सर्विस है, तो हमको फ्री वाला अलकतरा वाला करना है। जैसे यहाँ पर देखिए लिख रहा है क्लियर सामने में दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर लिख रहा है ना कि कंटिन्यू टू ट्रायल। अब हमको इसी को करना है, तो यही वाला चीज होगा, ठीक है। अब इसको हम कनेक्ट करके दिखाते हैं अपने दोस्तों वाईफाई के हिसाब से। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर वाईफाई कर लिया। अब यहाँ पर देखिए दो तरह का यहाँ पर
यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यूज़र नेम पासवर्ड के लिए ये वाला ऐप ओपन कर लिया है और इसको भी दोस्तों इस तरह से क्लिक करना है। यहाँ पर आ गया, इस तरह से इंटरफेस आ गया इसका। अब दोस्तों इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो लिख रहा है, यहाँ पर पीसी लिख रहा है, पीसी फोल्डर आपको सिलेक्ट कर लेना है जो आप फोल्डर को शेयर करना चाहते हैं या रखना चाहते हैं। डेस्कटॉप को करके आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पर दोस्तों FTP दिखा रहा है ना, तो यहाँ पर आपको करना है देख लीजिए एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस, यहाँ पर आ जाना है एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस में। अब यहाँ पर दोस्तों आपका जो यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर दे रहा है ना, बस एक बार आपको डालना होगा। तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देते हैं जो दोस्तों यहाँ पर दिखा रहा है। तो दोस्तों हमने डाल दिया, यहाँ पर दोस्तों हम ओके करेंगे। बस ओके करने के बाद यहाँ पर ओपन कनेक्शन प्रोफाइल दिखा रहा है, यहाँ पर क्रिएट कर देंगे हम। तो क्रिएट करेंगे तो देखिए दोस्तों इस तरह से आ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो हल्का सा यहाँ पर हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं आपको, ताकि आपको पूरा का पूरा डिस्प्ले नज़र आए। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं बार बार मेरे ट्विटर में जो जो दोस्तों मैसेज वगैरह आ रहा है फ़ोन में, वो यहाँ भी शो हो रहा है। खैर, तो यहाँ पर हम दोस्तों अपने डिवाइस को इस तरह से यहाँ पर रख दिए और देख लीजिए नीचे आते चला जा रहा है, आते चला जा रहा है। तो उस पर दोस्तों कुछ आपको ना सोचने का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा परेशान होगा। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये मेरा मोबाइल का फाइल मैनेजर पूरा का पूरा खुला हुआ है, ठीक है, मेरा मोबाइल का पूरा दोस्तों यहाँ पर खुला हुआ है। तो आप देख सकते हैं जैसे DCMI, तो यहाँ पर दोस्तों IM में देखिए कैमरा वगैरह सब कुछ। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से यहाँ उठा के डालना है, यहाँ से उठा के डालना है। और ये जो है मेरा दोस्तों PC का खुला हुआ है, जैसे दोस्तों अभी मेरा PC में एक देख लीजिए ये वाला वीडियो है, ठीक है, आपको डेस्कटॉप में, तो दोस्तों देखिए डेस्कटॉप में आपको वीडियो दिखा दे रहे, देखिए ये वाला वीडियो है, तो यही वाला दोस्तों और ये वाला वीडियो, ये दो वीडियो है दोस्तों डेस्कटॉप में। तो ये वाला चीज़ दोस्तों यहाँ पर शो हो रहा है, मतलब आते रहेगा दोस्तों। तो इस तरह से आप क्या करना है, बस यहाँ से यहाँ करना। अब मान लीजिए कि हमको यहाँ से ट्रांसफ़र करना है, ये वाला वीडियो को हमको ट्रांसफ़र करना है यहाँ पर, तो कुछ नहीं करना, यहाँ से उठाना और यहाँ पर छोड़ देना है। जैसे ही छोड़ेंगे दोस्तों तो देख लीजिए नीचे ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये काम करता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये काम कैसे कर रहा है। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो ये पहले वाला तो मैंने बता दिया, तो ये वाला भी दोस्तों बहुत ही ईजी है, आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह से ओपन कर लेना है दोस्तों। और ओपन करने के बाद यहाँ पर सिर्फ लिखना है FTP। तो देखिए दोस्तों इस तरह से लिखना है आपको FTP, और FTP लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखना होगा FTP मैनेजर प्रो कहाँ पर लिखा हुआ है। तो FTP मैनेजर प्रो दोस्तों आपको जहाँ दिखेगा उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे दोस्तों ये वाला है, देख लीजिए ये वाला शो हो रहा है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो देख लीजिए दोस्तों FTP मैनेजर प्रो आप जैसे लिखेंगे तो ये वाला आ जाएगा। बस यहाँ से दोस्तों इसको लॉन्च करना है इस तरीके से, और दोस्तों ये वाला ओपन हो जाएगा। तो समझ गए होंगे आप कि दोस्तों किस तरह से करना है, आपको बस यहाँ पर लिखना है FTP मैनेजर प्रो और ये वाला ओपन हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों देखा आपने कि ये किस तरह से हुआ, तो आप भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों लाइफ को इजी और स्मार्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, नया मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, इस तरह का मिलते रहते। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।